हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। महमूद सर, यूसुफ बहुत ही ज्यादा शाई है, शर्माते हैं। जब रिश्ता देखने गए थे, खुद गए थे आप, यूसुफ आप गए थे देखने साथ में? नहीं। अच्छा, लड़की वाले आ गए थे। मुझे पता भी नहीं था कि लड़की वाले घर पे आ रहे हैं। उसको पता ही नहीं, वो रूम के अंदर बता दिए, दिखा दिए, भाई देखो। मैंने ये कहा था कि भाई तुमको जो पसंद है करो, मुझे कोई देखना वेखना नहीं है, तुम जहाँ करो। मना ही करते थे, हमारी मर्जी से करो। अरे भाई, हमारी मर्जी से करो, हमें थोड़ी करने की है, शादी तुम्हें करने की है, तुम देख लो, देखना भी जरूरी है। मैं मुझसे एक बात पूछनी थी आपसे। जैसे अब तो खैर जमाना इतना बदल गया है, लव मैरिज होती हैं, जिसको माँ बाप को जो लगता है बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं। जब आपकी शादी हुई थी तब ऐसे देखते थे लड़का लड़की को, रिवाज था? मेरी शादी हुई तो मैंने लड़की को नहीं देखी थी, इसकी माँ को। अच्छा, ए अब्बा गलत। क्या गलत? तो वो लोग पर्दे वाले थे। अच्छा, जो पर्दा होते ना पठान जी, जो पठान वो होते थे, और उसके लड़की के हमारे देखा नहीं क्या भाई, इसके पास पैसा है, दौलत है, खिदमत करता है मस्जिद की, वो नौकरी करता है, वो नमाज पढ़ता है, दे दो। अच्छा, दे दी। हमको याद, ये इतना याद है कि हमारी एक फूफी, छोटी फूफी थी, उसका इंतकाल हो गया। अच्छा, वो किसी को पसंद करती थी और पापा ने शादी करवाई थी, ये याद। मेरी बात कर रहे हैं, मेरी बात कर रहे हैं, तुम देखी थी। ये देखो, बाप बाप ही होता है, बाप बाप होता है सर, बाप होता है। यार कमाल, मेरे घर में अगर मैं सुबह उठ के मेरे वालिद को नहीं देखूं, उनसे अगर मैं आधा घंटा बात नहीं करूं, मेरा दिन नहीं निकलता। क्योंकि मुझे मालूम है, अगर मैं मेरे वालिद को एक जगह बिठा दूं और मेरे भाई को एक जगह बिठा दूं, मेरा आधा घंटा तो निकल जाना है। इनसे मिलके तो हमारा दिल कर रहा है कि रोज इनसे एक दो घंटे मिला करें, अच्छी अच्छी बातें करें। बहुत प्यारी बातें करते हैं आप महमूद साहब। अंकल, यहाँ बोल आई है। आप कौन है बेटे? आपको पहले कभी देखा नहीं। अंकल, मेरा नाम लल्ली है और मुझे बैंगन की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं। बेटे, मैंने तो आपसे पूछा भी नहीं आपको पसंद है कि नहीं पसंद। नहीं अंकल, मैं इधर ही रहती हूँ ना, अभी आना जाना तो लगा रहेगा। मुझे बैंगन की सब्जी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन मेरे को सेब से चॉकलेट, केला, संतरा, आम्ब, आम पापड़, इमली का घोड़ा, सॉफ्टी, ऑरेंज वाली कुल्फी, ये सब चीजें मेरे को बहुत पसंद है। ये मैंने इसलिए बताया कि ये मुझे देना जब मैं आऊं, बैंगन की सब्जी मत देना। कितु अंकल, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। कितु अंकल, आपके बॉडीगार्ड ना अंदर नहीं आने दे रहे थे। ये अंकल, उनके दांत कैसे देने हैं? बेटे, अच्छे बच्चे झगड़ा नहीं करते। इधर देखो, मेहमान आए हैं, सब जी आए हैं, उनके पापा आए, इरफान जी आए हैं। मैंने आपकी फिल्म देखी थी, लंच बॉक्स। मतलब बहुत मजा, इतना टेस्टी था ना लंच बॉक्स, मजा ही आ गया। आज भी इधर फंसा हुआ है, देखो। दिख रहा है। वो इरफान खान दूसरे हैं, एक्टर है ये, इरफान पठान क्रिकेटर है ये। ओह, आए, तभी मैं सोचू फिल्म में तो आंखें बड़ी बड़ी लग रही थी, इधर तो छोटी है। मैंने पहचान लिया। अंकल, आप लोग क्रिकेट खेलते हो ना? अच्छा, ये बता, तूने मुझे अंकल बोला? हाँ जी। अंकल जी बोला? हाँ जी। इरफान जी क्यों बोला तूने? क्योंकि वो हैंडसम है। लेकिन मैंने एक बात पूछनी है, आप लोग क्रिकेट खेलते हो ना? मेरा भाई भी बहुत अच्छा खेलता है, जब तक मेरा भाई गली में ना आए ना अंकल, क्रिकेट शुरू नहीं होता। क्यों? बैट उसके पास है? नहीं नहीं, सुसु करके वो मिट्टी गिल्ली करता है ना, उसमें तो स्टंप काटते हैं। अरे मेरा बस चले ना पाजी, मैं मैच उठा के ना चिड़ी उठ कहाँ उठ, नेशनल गेम बना दूं। आपने कभी खेला चिड़िया उड़? नहीं। कभी नहीं खेला? नहीं, नहीं। चलो यहाँ पे उंगली रखो। रखो। चिड़िया उड़, उड़ गई, गधा उड़, तोता उड़, केतली उड़, चिड़िया उड़, कौवा उड़, घोड़ा उड़, तोता उड़। यार ये तो सच्ची इंटेलिजेंट है, जोरदार तालियां। लेकिन एक बात बोलूं अंकल, मैं
मेरा बस चले ना तो मैं कपिल अंकल को अंपायर बना दूं। अच्छा? क्योंकि इनको उंगली करने की बड़ी आदत है ना। मैं कब करता हूं उंगली? अरे उंगली की तभी तो ट्वीट हुआ ना। ऐसे अंकल जी, पिछले हफ्ते ईद चली गई ना। लेकिन कोई बात नहीं, जब भी कोई क्यूट बच्चा देखो 500 दे तो दे ही देना चाहिए। अंकल ईद थी बेटे, ऐसे मेहमानों से पैसे मांगते? नहीं नहीं अंकल जी, ऐसे ही मांग रही है ये। ऐसी मांगने वाली अब्बा भी रमजान में मांगने वाले बहुत आते हैं। अंकल वैसे अंदर से बहुत ज्यादा दुखी हूँ। मैं इनको सब कहते हैं कि मोटी है, कोई गेम नहीं खेल सकती। मेरे को कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा मोटी हूँ, मैं फ्लेक्सिबल नहीं हूँ। मैं कैसे फ्लेक्सिबल हूँ? पिज्जा खाती? हाँ जी अंकल खाती हूँ। हाँ ये भी मोटी है। लेकिन मैं फ्लेक्सिबल कैसे हूँ? मेरे से ना ये सब कुछ नहीं होता, मैं ऐसे स्प्लिट भी नहीं कर पाती। अंकल मैं ऐसे कर लूँ ना तो मेरा एक के हाथ भी नहीं लगते। वही दबा दे उसके। मैं कैसे करूँ अंकल, इतना फ्लेक्सिबल ठीक होता है? बहुत बहुत। आपको पता है मैं जो स्प्लिट कर लेती हूँ ना, बड़े फायदे होते हैं। जब हम ट्रेन में जाते ना अंकल, टिकट बुक नहीं कराते, मैं जाके पहले सीट पे ऐसे बैठ जाती हूँ, हमारी पूरी सीट। अच्छा मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं। बिल्कुल भी नहीं, गलत सुना है। ये अच्छा गाता है ना कपिल? बहुत अच्छा गाता है, इधर बैठे हुए। वो तो बहुत अच्छा गाते हैं, उनकी फिल्म भी आ रही है बता। अच्छा? फिरंगी है ना? तो कपिल अंकल अगली ईद पे आपकी फिल्म आ जाएगी? पहले आ जाएगी। पहले आ जाएगी? चलो अभी फिरंगी के लिए जोरदार तालियां बजा दो। अंकल जी इधर आना जरा। ओ तड़ी दी। कल आप तो बहुत ज्यादा लंबे, कितनी हाइट है आपकी? 6'2" 6'2"? आपको मेरी तरफ से यह बैट दिया जाता है। सर थैंक यू सो मच, मेरा स्कूल का टाइम हो गया है और बच्चे कभी मजाक में चीजें दे दे तो रख लेनी नहीं चाहिए। तुम सीधे स्कूल जाओ। चलो अगर आप आशीर्वाद दो कि मैं इस बार 4th class में निकल जाऊँ। हाँ, पक्का अंकल? पक्का। आपकी इसी बात पे मैं दाद देती हूँ। अरे बैट लेके जा। थैंक यू अंकल, आप बहुत ज्यादा अच्छे हो, लेकिन आपसे भी अच्छे वो हो। वारे ऊपर वाले तेरी खुदाई, और जिनके पास नहीं अपना मकान उनके पास आगे सीधे पठान। सर आप लोगों को दोनों हाथों से सलूट है जी, और सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मेरा? जी बिल्कुल आपका। मैंने क्या आपका? मैं सर, मैंने क्रिकेट कहाँ खेली है, इनका फैन होना चाहिए। नहीं पर जिनकी वजह से खेल रहे हैं, वजह तो आप ही है ना कि तो सर जो भी है ये आज वो आपकी बदौलत है। मेरे नहीं, ऊपर वाले की। जरिया तो सर आप ही है ना। और ये सही बात है, इन्होंने इनको क्रिकेट खेलने के लिए इंस्पायर किया, फिर जाकर इन्होंने भारत का नाम रोशन किया। हमारे डैडी ने कभी हमें इंस्पायर ही नहीं किया, ये कहते रहे बेटे बाहर निकलो जाओ क्रिकेट खेलो। मेरे डैडी कहते रहे बाहर निकलो जाओ देख करो लाइट आई कि नहीं आई। आप मुझे थोड़ा मुंह बोला बेटा बना लीजिए। वो तुझे अपना बेटा क्यों बनाया भाई? देखो इनके जो दो सगे बेटे हैं वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर खेल रहे हैं, तो मुंह बोला बेटा 12वां प्लेयर तो बन ही सकता है कि नहीं? 12 प्लेयर कैसे बनेगा तू? 12th प्लेयर बनने के लिए भी क्रिकेट आने की चाहिए, उसको नॉलेज होनी चाहिए। तो मुझे नॉलेज है पूरी क्रिकेट की। भाई ये बात भूल गया है, सोसाइटी में मैं अकेला ही बच्चा होता था जिसके पास बैट होता था। भूल गए आप? जब मैं बैट लेकर बाहर आता था आप मुझे कहते यार मुझे एक बैटिंग करने दे। हाँ मुझे पता है, पहली बॉल पे तू आउट हो जाता था, फिर किचन में लेटता था तू। यार आप मुझे और बैटिंग करनी है। सर बाबा मिट्टी के साथ क्यों रिलेट करते हैं? अच्छी बात है, मिट्टी से जुड़े रहना चाहिए। अच्छी बात है, अच्छी बात है, मिट्टी के साथ जुड़े रहना चाहिए। नहीं क्योंकि जब आदमी हवाओं में आ जाता ना तो काम सारे खराब हो जाते हैं। तुझे 12th प्लेयर बनना ना। हाँ जी चल, जा भाग के जाके चाय ले गया। देखो 12वां प्लेयर पाजी चाय नहीं पानी पिलाता, ये तो हमको भी पता है। देख चंदू, सिर्फ पानी वानी पिलाने से कुछ नहीं होता, क्रिकेट आना चाहिए। क्रिकेट आता है मुझे। क्या आता है तुम्हें? देखो
जैसे ये नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर खेले हैं, तो मैं भी तो एक स्ट्रीट लेवल का प्लेयर हूँ। स्ट्रीट लेवल नहीं, स्टेट लेवल। नहीं, लेकिन मैं स्ट्रीट लेवल तक खेला हूँ। आगे क्यों नहीं गए फिर? आगे हमारी गली बनती ना। खैर कपिल शर्मा, मैं आपको बता दूं, एक दिन वो जरूर आएगा कि इस सोफे पर बैठकर मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। हाँ, और उस दिन शूटिंग नहीं हो रही होगी। केला ही भूतों को इंटरव्यू देना। तो देखो पाजी, मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, लेकिन इस बंदे ने मेरे को कभी नहीं बनने दिया। क्यों? हमेशा मेरे को कभी चाय वाला बना दिया है, कभी मेरे को अपना सर्वेंट बना दिया, कभी बनने नहीं दिया। और मेरे मन के अंदर इतने सवाल थे क्रिकेट को लेकर, आपसे इसलिए नहीं पूछे क्योंकि आप बिजी रहते हैं। क्या सवाल है, पूछ ले आज। आज मेरे सवाल ये है कि जैसे ये जो 12वां प्लेयर होता है, इसके साथ इतनी नाइंसाफी क्यों होती है कि जब भी वो पानी पिलाने जाता है, लोग ऐड चलाते थे टीवी पर, उसके सारे सीन कट जाते हैं। भाई सीन वो एक्टर थोड़ी ना होता है, प्लेयर है वो, अगला आया बस ठीक है। अच्छा मुझे एक बात और बताइए कि जब प्लेयर 11 खेलने होते हैं तो 15 को लेकर क्यों जाते हैं सर? 12th मैन होता है ना उसमें, तो बाकी 13 मैन 14 मैन 15 मैन, वो भी मतलब, लेकिन नाम से 12th मैन का होता है, लेकिन बाकी सारे काम तो वही करते हैं जो 12th मैन का काम होता है। 12th 1 12th 2 12th 3। एग्जैक्टली। ठीक है, फिर मैं आपको एक बंदा मिलाता हूँ पाजी, जो ऑलराउंडर है, जो सभी का काम करता है, 11 प्लेयरों की तरह खेलेगा वो। क्या बात कर रहा है? हेलो ऑलराउंडर। हेलो। हर प्लेयर का ये बहुत अच्छे तरीके से जो है वो उनको उनका नकल करते हैं। वीरेंद्र सहवाग कैसे खेलते हैं? वीरेंद्र सहवाग पकड़ो। भज्जी। हरभजन सिंह, जब उनको विकेट नहीं मिलती तो उनके चेहरे की लाइन बिगड़ जाती है। हरभजन सिंह जी। इरफान भाई। भाजी की, इनकी जब धुलाई होती है चेहरा देखने लायक रहता है। विकेट भी लेता हूँ। विकेट मिलने के बाद तो डांस करते हैं। विकेट मिलने के बाद विराट कोहली। विराट कोहली, हाँ हाँ हाँ, कैप्टन। उनका एग्रेशन इतना डेंजरस है, विराट कोहली भाई, उनको बहुत रहती है। फील्डिंग में भी एग्रेशन बहुत रहता है। क्रिस गेल। अरे बाप रे, उनकी शक्ल ऐसी है जैसे कि उन्होंने कुछ देख लिया हो, वो बता नहीं रहे। सचिन तेंदुलकर जी, उनके फेस से पता चलता है कि वो आउट होंगे कि जल्दी की सेंचुरी मारेंगे, अगर ऐसी शक्ल रही तो समझ जाओ जल्दी आएंगे। 30-40 से ज्यादा जाने वाले नहीं, अगर ऐसा एक्सप्रेशन रहा। तो समझ जाओ सेंचुरी पक्की है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, मैं आपके लिए अभी चाय लेकर आता हूँ। ओके सर, आशीर्वाद दीजिए। ओके सर, प्रैक्टिस कराते फिर। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। इरफान भाई, यूसुफ भाई, आपके फैंस यहाँ पे आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। जी सर। आज इरफान जी ने और यूसुफ जी ने पूरा जो नाम रोशन किया है देश का, उनके पीछे सिर्फ और सिर्फ मैं महमूद जी की मेहनत, उनकी लगन, उनकी तालीम, सब उनके पीछे उनके पहले गुरु महमूद जी को मानता हूँ। इनके पीछे फोटो लेने के लिए, ऑटोग्राफ के लिए सारी दुनिया है। आज मैं महमूद भाई का ऑटोग्राफ लेना चाहूंगा। तो स्वीट, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, आइए आइए प्लीज। बिल्कुल। क्या बात है, पूरी प्रैक्टिस है अभी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। थैंक यू।
दोनों बड़ा जबरदस्त तरीके से देख रहे थे क्या क्या लिखा आपने। ये देखिए जी, और कोई हमारे दोस्त? यस मैम। हेलो एवरीवन। हेलो सिद्धू जी। हेलो। मैंने कहीं पढ़ा था कि आप दोनों ने लाइक बहुत साइकिल राइड की है, आपने खुद चलाया है साइकिल इनके लिए, सो आई वुड लाइक टू लाइक यू राइड फॉर मी टुडे, आई विल सिट बिहाइंड यू। अरे अच्छा, साइकिल रेडी भी है? अच्छा, कपिल इज वेरी काइंड। उन शादी उनकी हुई है, बिठाना आपको है, मेरा क्या जा रहा है। थैंक यू। साइकिल पे जगह कहाँ है, कहाँ बैठेंगी? चले थैंक यू सो मच। पर आज बाप लोग आए हुए हैं, ये देखिए, बॉलिंग के बाप, बैटिंग के बाप, ये इन दोनों के बाप। बच्चा तो फिर आ गया? अरे सर, बाप आए तो बच्चा तो आएगा ही ना। इट इज अ यूनिवर्सल रिलेशनशिप यार। लेकिन सर, अंकल जी, पापा जी, मानना पड़ेगा, आपने डिसाइड किया कि बच्चों को क्रिकेटर बनाना है तो बना दिया। मतलब एक बात जो आपने पठान ली वो पठान ली। वैसे सच बताएं सर आप लोगों को, जैसे आप लोग स्पोर्ट्समैन है ना, हम भी स्पोर्ट्समैन है। तू कहां से स्पोर्ट्समैन बन गया बे? अरे सर, स्पोर्ट्स हमारे रगों में पानी की तरह फैला हुआ है। पानी नहीं, खून होता है सर। शरीर में 8% खून होता है, 60% पानी होता है। ज्यादा क्या है, ज्यादा क्या है, वही फैलेगा ना यार, उसी में मजा है। और आपको सच बताएं, स्पोर्ट्स में सबसे ज्यादा हमारा रुचि ना ही अपना टेनिस में है। क्यों? क्योंकि रुचि हमारी टेनिस खेलती थी ना। लेकिन एक बार यार सर प्रॉब्लम हो गया था, हमने अपनी रुचि को ना किसी और लड़के के साथ डबल्स खेलते हुए देख लिया। उधर ही दिल टूट गया यार, हमने त्याग दिया टेनिस उस दिन से। फिर सोचे यार क्या स्पोर्ट्स खेले, फिर हम गए स्विमिंग में। अच्छा, वहां पे क्या आंखों के आंसू दिखाई नहीं देते ना। इतना बड़ा बात कर दिया देखिए हमने बीच में। स्विमिंग करने पहुंचे सर, ऐसा अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के जैसे ही हम पानी में कूदे सर, हमको वो मुहावरा याद आ गया। कौन सा? गई भैंस पानी में। मुहावरा याद आया, हमारा खुद का हंसी निकल गया यार। पर हमारा हंसी निकला, मुंह खुला, हम पानी निकल गए, ऐसे डूबने वाले थे। हमने स्विमिंग भी छोड़ दिया यार, छोड़ो। हम बोले ये भी कैंसल, बॉक्सिंग करते हैं, उसमें कपड़ा अपड़ा अच्छा देते हैं सर, कपड़ा पहनाते हैं, ग्लव्स ब्लव्स हैमलेट ऐसा सब रहता है, मजा आता है। बॉक्सिंग खेला फिर? नहीं सर, वो सामने वाले ने हमारे साथ खेला। मतलब सर अब सच्चाई है सर, धोया उसने काफी जोर जोर से धोया, फिर हमको आया जोर का गुस्सा। फिर तूने मारा उसको? नहीं सर, मौका ही नहीं दिया। धोता गया सर, धोता गया, इतना मारा, मार मार के हमको जमीन पे गिरा दिया। हम फिर खड़े हुए यार, आई गिव अप, हम हार गए भाई, हमको माफ करो, हमने गुस्सा थूक दिया। उसके बाद भी उसने हमको मारा। फिर क्यों मारा? क्योंकि हमने गुस्सा उसके मुंह पे थूका ना। तूने एक चीज आज की नहीं? क्या नहीं किया सर? हमारे मेहमानों को जॉक्स नहीं सुनाए? लीजिए सर, ओके चलिए जॉक सुनाते हैं सर, तो पेश है। हमको ये बताइए कि 2017 के कैलेंडर को हाथ लगाते हैं तो शौक लगता है, बताइए क्यों? क्यों? बिकॉज इट इज करेंट कैलेंडर। करेंट कैलेंडर। ये लीजिए, माहौल बना दिया सर,
मजा के लिए जोरदार तालियां। शुक्रिया सर। और इरफान, यूसुफ और महमूद सर के लिए जोरदार तालियां। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप शो में आए, बहुत अच्छा लगा। आइए सर। महमूद सर, इरफान भाई, यूसुफ भाई के साथ तो पहले मुलाकात हो चुकी है, लेकिन आज आपसे मिलकर और भी ज्यादा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और हम लोग एक खूबसूरत सा गिफ्ट देते हैं हमेशा ही अपने दर्शकों में या कोई भी हमारे जो मेहमान आते हैं, लेकिन आज आपसे बात करके इतना मजा आया। ये खूबसूरत सा मोबाइल है जो आपके लिए है। शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। धन्यवाद इरफान भाई, एक सेल्फी हो जाए आपके साथ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच इरफान भाई। तो आप सब लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।